आषाढ़ कृष्ण त्रयोदश तिथि स्नान पूर्णिमा पर असुस्थ हो अणसर थिबा श्रीजीव मान खी लगी कर फुलुरी तेल लगी और दशमूल मोदक सेवन पर सुस्थ होता श्रीजीव मान श्रीमुख होतापाई शुद्धस्वर घर श्रीमंदिर को खड़ी विजे कर विजे काहाली और घंट ध्वनि मध्य शुद्धस्वर मान रूपा पिंगण मान खड़ी रखी श्रीमंदिर को आनी पटुआर छतार और पोलार सामिल होते द्वादशी रात शुद्धस्वर बासभवन श्रीमुख होतापाई खड़ीहांडी अधिवास पूजा कर खड़ी में मिशा जाता कर्पूर कस्तूरी और चंदन त्रयोदशी तिथि पारंपरिक विधि विधान अनुजाई श्रीजीव मान घणा लगी नीति संपन्न होणसर या दारू विग्रह मान खी लगी संपर्क स्कंद पुराण नीलाद्री महोदय और देवतोला आदि प्राचीन ग्रंथ मान उल्लेख रही वर्णना अनुजाई महाराजा आदेश नीलमाधव सन्धान जा विद्यापति और सबर राजा विश्वाभूषु कन्या ललिता बह होता से औरस रु जन्मित संतान मान शुद्धस्वर रूपे परिचित हेले शुद्धस्वर मान द्वारा निज घर प्रस्तुत खड़ी अटकाली अणसर या श्रीजीव मान श्रीअंग प्रलेप देने से संपूर्ण सुस्थ होता अणसर अंतिम दिवस आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि श्रीजीव मान श्रीअंग खड़ी लगी सहित बनक लगी कर शुद्धस्वर सेवा वंशानुक्रमिक और श्रीमंदिर स्वत्वलिपि सेवार बरणी उल्लेख रही खड़ी लगी अणसर में महाप्रभु अन्यतम गुप्त सेवा आषाढ़ अमावास्यार शुद्धस्वर मान द्वारा श्रीजीव मान ओसुओ लगी कर श्रीमंदिर पक्षर प्रत्यह यही सेवायत मान खेई पाई अणसर शुद्धस्वर को स्वतंत्र खेई प्रदान करा जाए।